अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने क्यूइंग थ्योरी को डिस्कस किया, क्या होती है क्यूइंग थ्योरी। उसके बाद हमने कुछ डेफिनेशंस की, आज हम कुछ और डेफिनेशंस करते हैं। एक्सपेक्टेड नंबर इन सिस्टम, पहले हमने एक्सपेक्टेड नंबर इन क्यू में देखा कि लाइन में कितने कस्टमर हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि पूरे सिस्टम में कितने कस्टमर हो सकते हैं, जो लाइन में खड़े हैं और जो काउंटर पे सर्विस हासिल कर रहे हैं, दोनों शामिल करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम। दिस इज़ द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर, ये वो है एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर की, इधर वेटिंग इन द लाइन, जो लाइन में खड़े वेट कर रहे हैं, एंड और बीइंग सर्व्ड, या जो सर्विस हासिल कर रहे हैं, जो काउंटर पे खड़े हैं और सर्विस हासिल कर रहे हैं, वो कितने हैं। तो इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड नंबर इन सिस्टम। दिस इज़ द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर, ये एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर एदर वेटिंग इन लाइन और बीइंग सर्व्ड, डिनोटेड बाय एल, और इसको हम एल से डिनोट करते हैं। पीछे हमने पढ़ा एक्सपेक्टेड नंबर इन क्यू, उसमें सिर्फ लाइन में जो वेटिंग लाइन में खड़े थे उसका हमने एवरेज मीन कहा लिया। अब हमने कहा कि जो लाइन में खड़े हैं और जो सर्व्ड, जो काउंटर पे भी गए हुए हैं, उन सबको शामिल करें, तो उसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड नंबर इन सिस्टम, और उसको एल से डिनोट करते हैं। एक्सपेक्टेड टाइम इन क्यू, कि उस लाइन में खड़े होने में कितना टाइम लगेगा। दिस इज़ द एक्सपेक्टेड और मीन टाइम, ये वो एक्सपेक्टेड मतवक्के या मीन टाइम है अ कस्टमर स्पेंड वेटिंग इन क्यू, जो वो लाइन में या क्यू में स्पेंड करता है, उसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड टाइम और एक्सपेक्टेड टाइम इन क्यू, डिनोटेड एज डब्ल्यू क्यू, और इसको हम डब्ल्यू क्यू से डिनोट करते हैं। और एक्सपेक्टेड टाइम क्या है, एक्सपेक्टेड टाइम वो है इन क्यू में कि जो एक कस्टमर है वो लाइन में खड़ा है, तो उसमें उस लाइन में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, तो उसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड टाइम इन क्यू। उसके बाद है एक्सपेक्टेड टाइम इन सिस्टम, पहले हमने क्यू में कहा सिर्फ लाइन की बात की, जो वेटिंग लाइन है उसमें खड़े होने में कितना टाइम एक्सपेक्टेड है। अब हम कहते हैं कि सिस्टम में, तो जब हम सिस्टम की बात करते हैं तब हम लाइन वाला भी कंसीडर करते हैं, और आगे जो सर्विस हासिल कर रहा है, काउंटर पे पहुंचा हुआ है, सर्विस हासिल कर रहा है, उस टाइम को भी हम कंसीडर करते हैं, उसको भी हम शामिल करते हैं जी। दिस इज़ द एक्सपेक्टेड टाइम ए कस्टमर वेटिंग इन लाइन एंड आर बीइंग सर्व्ड, डिनोटेड एज डब्ल्यू, जो टाइम हमें लाइन में लगा और जो टाइम हमें सर्विस लेते हुए लगा, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड टाइम इन सिस्टम, के पूरे सिस्टम में लाइन में लगे हुए और सर्विस हासिल करते हुए जितना टाइम लगा, उसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड टाइम इन सिस्टम, उसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू क्यू। डब्ल्यू क्यू तो क्या था, एक्सपेक्टेड टाइम इन क्यू, ये लाइन वाला टाइम प्लस वन ओवर म्यू, प्लस वन ओवर म्यू क्या, वो जो सर्विस लेते हुए टाइम है, वो दोनों को हम शामिल करके क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड टाइम इन सिस्टम। उसके बाद है एक्सपेक्टेड नंबर इन नॉन एम्प्टी क्यू, एक्सपेक्टेड नंबर इन नॉन एम्प्टी क्यू। एम्प्टी क्यू क्या है, क्योंकि लाइन लगी हुई नहीं है, तो उस टाइम को हम नहीं लेते, हम उस टाइम को लेते हैं जो नॉन एम्प्टी क्यू हो, मतलब क्या है, लाइन लगी हुई है, उसको हम एल एन से डिनोट करते हैं। उसके बाद है एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम फॉर नॉन एम्प्टी क्यू, जो वेटिंग टाइम है, पहले हमने नंबर की बात की, एक्सपेक्टेड नंबर इन नॉन एम्प्टी क्यू, नंबर क्या मतलब है, कितने कस्टमर हैं नॉन एम्प्टी क्यू में, कि अगर क्यू एम्प्टी है तो उसमें तो कोई भी नहीं होगा, और नंबर एक्सपेक्टेड नंबर इन नॉन एम्प्टी क्यू मतलब कस्टमर, कितने कस्टमर हैं, अगर लाइन लगी हुई है तो उसको हम नॉन एम्प्टी क्यू ही कहेंगे ना, उसमें कितने कस्टमर हैं, तो उसको हम एल एन से
डिनोट करते हैं। उसके बाद एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम, वहाँ नंबर कितने कस्टमर हैं, यहाँ वेटिंग टाइम फॉर नॉन एम्प्टी क्यू कि कितना टाइम लगता है, नॉन एम्प्टी क्यू में कितना टाइम लगता है, उसको हम डब्ल्यू एन से डिनोट करते हैं जी। उसके बाद है सिस्टम यूटिलाइजेशन, सिस्टम यूटिलाइजेशन, सिस्टम यूटिलाइजेशन क्या है, दिस इज़ द रेशियो बिटवीन अराइविंग रेट, अराइवर रेट एंड सर्विस रेट डिनोटेड बाय रो, गिवन बाय रो इज इक्वल टू लैम्डा ओवर म्यू। सिस्टम यूटिलाइजेशन क्या है, ये एक रेशियो है कि अराइवल रेट क्या है, लोग या कस्टमर किस रेट के साथ आ रहे हैं और जो सर्वर है वो किस रेट के साथ उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो सर्वर है वो किस रेट के साथ उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और जो कस्टमर हैं वो किस रेट के साथ आ रहे हैं। अगर हम इसकी रेशो लें, इसकी रेशो ले लें तो उसको हम कहते हैं सिस्टम यूटिलाइजेशन, सर्विस सिस्टम यूटिलाइजेशन, इसको हम रो से डिनोट करते हैं। और हम इसको फाइंड कैसे करते हैं, ये हमारे पास एक फार्मूला है जिसके ज़रिए हम सर्विस सिस्टम यूटिलाइजेशन फाइंड करते हैं कि जो हमारी रेशो है बिटवीन अराइवर रेट एंड सर्विस रेट, अराइवर रेट को हमने लैम्डा से डिनोट किया था और सर्विस रेट को हमने म्यू से डिनोट किया था, तो लैम्डा ओवर म्यू इज इक्वल टू रो और रो क्या है हमारा सिस्टम यूटिलाइजेशन। तो इस तरह हम ये रेशो फाइंड कर सकते हैं, पहले हमारे पास लैम्डा हो और म्यू हो तो हम रो निकाल सकते हैं, मत दूसरे लफ्ज़ों में अगर अराइवल रेट हमें कस्टमर का पता चल जाए और सर्विस रेट हमें पता चल जाए तो हम सिस्टम यूटिलाइजेशन रो निकाल सकते हैं। उसके बाद है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एम्प्टी सिस्टम, अगर हमारा सिस्टम एम्प्टी है तो हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं, पी नॉट वन माइनस लैम्डा आवर म्यू। तो इस तरह हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं ऑफ एन एम्प्टी सिस्टम की, जब हमारा सिस्टम एम्प्टी हो तो उस तरह से हम प्रोबेबिलिटी पी नॉट फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन कस्टमर इन द सिस्टम, जब हमारे पास एन कस्टमर हो सिस्टम में तब हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, उसको हम पी एन से डिनोट करते हैं और पी नॉट जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी सिस्टम है वो हम पहले निकालते हैं, उसके बाद हम अराइवल रेट लेते हैं लैम्डा, उसको डिवाइड करते हैं हम एन से और उस लैम्डा ओवर एन की पावर एन। तो इस तरह हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन कस्टमर इन द सिस्टम पी एन से डिनोट करते हैं और पी एन फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद है एक्सपेक्टेड नंबर इन द क्यू, कि हम कितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितने कस्टमर आएंगे लाइन में, तो हम उसको पीछे हमने पढ़ा था एक्सपेक्टेड नंबर इन क्यू, तो कितने एल क्यू से हमने उसे डिनोट किया था, तो एल क्यू को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये फार्मूला है लैम्डा स्क्वायर ओवर म्यू इनटू म्यू माइनस लैम्डा। इस फार्मूले के ज़रिए हम जो है एक्सपेक्टेड नंबर इन क्यू फाइंड कर सकते हैं, एल क्यू से हम डिनोट करते हैं, लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा क्या है हमारे पास अराइवल रेट और म्यू क्या है हमारे पास सर्विस रेट, और लैम्डा स्क्वायर ओवर म्यू इनटू म्यू माइनस लैम्डा। तो इस फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारे जो क्यू है उसमें कितने एक्सपेक्टेड कस्टमर हो सकते हैं, कितने एक्सपेक्टेड कस्टमर हो सकते हैं वो हम निकाल लेते हैं। उसके बाद है द एक्सपेक्टेड नंबर इन द सिस्टम, कि जो हमारा सिस्टम है उसमें कितने एक्सपेक्टेड नंबर हो सकते हैं, जो हमारा सिस्टम है उसमें कितने एक्सपेक्टेड नंबर हो सकते हैं। पहले हमने फाइंड किया कि हमारी क्यू में कितने हो सकते हैं, अब हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे सिस्टम में कितने एक्सपेक्टेड नंबर हो सकते हैं, उसको हमने एल से डिनोट किया था और हम उसको फाइंड कर सकते हैं। अगर अराइवल रेट हमारे पास है कस्टमर का और सर्वर का सर्विस रेट हमारे पास है तो
लैम्डा ओवर म्यू माइनस लैम्डा। तो इस फार्मूले के ज़रिए हम एक्सपेक्टेड नंबर इन द सिस्टम फाइंड कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम में कितने एक्सपेक्टेड नंबर हो सकते हैं, कितने कस्टमर हो सकते हैं। तो इस तरह हम ये फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड टाइम इन द क्यू, कि क्यू में कितना एक्सपेक्टेड टाइम हो सकता है। उसको हमने डब्ल्यू क्यू से डिनोट किया था, उसको भी हम फाइंड कर सकते हैं, लैम्डा ओवर म्यू इंटू म्यू माइनस लैम्डा। तो इस तरह हम कि हमारे क्यू में कितना टाइम लग सकता है उसको भी हम फाइंड कर सकते हैं, अगर हमारे पास अराइवल रेट हो लैम्डा और हमारे पास सर्विस रेट हो म्यू। तो इस फार्मूले के ज़रिए हम एक्सपेक्टेड टाइम इन द क्यू फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन द सिस्टम। तो अब हम पहले हमने क्यू की बात की कि क्यू में टाइम जो है एक्सपेक्टेड, अब हम अपने सिस्टम में बात कर रहे हैं। सिस्टम में हम कैसे किससे कैसे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से, और वन ओवर म्यू माइनस लैम्डा के ज़रिए हम इस फार्मूले के ज़रिए हम एक्सपेक्टेड टाइम वेटिंग टाइम इन द सिस्टम निकाल सकते हैं। क्या सिस्टम में टाइम वेटिंग टाइम का क्या मतलब है, जो टाइम हमें लाइन में लगा और जो टाइम हमें सर्विस लेते हुए लगा, वो सारा का सारा टाइम हो तो हम उसको वेटिंग टाइम इन द सिस्टम कहते हैं। एक्सपेक्टेड नंबर इन द नॉन एम्प्टी क्यू, नॉन एम्प्टी क्यू में जो एक्सपेक्टेड नंबर है ln, हम उसको भी निकाल सकते हैं। उसको भी कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास अराइवल रेट है और हमारे पास सर्विस रेट है तो हम उसको इस फार्मूले के ज़रिए निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या है कि लैम्डा ओवर म्यू माइनस लैम्डा, लैम्डा ओवर म्यू माइनस लैम्डा, इस तरह हम निकाल सकते हैं। उसके बाद है एक्सपेक्टेड टाइम इन द क्यू फॉर नॉन एम्प्टी क्यू। नॉन एम्प्टी क्यू में एक्सपेक्टेड टाइम क्या होगा, तो हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसको डब्ल्यू एन से हम डिनोट करते हैं और इसको हम वन ओवर म्यू माइनस लैम्डा से फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह आज हमने फार्मूले डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया क्यूइंग थ्योरी और उससे रिलेटेड कुछ फार्मूले, क्या हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड टाइम इन द क्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन द सिस्टम कैसे फाइंड कर सकते हैं, नंबर इन द नॉन एम्प्टी क्यू में एक्सपेक्टेड नंबर इन द नॉन एम्प्टी क्यू में हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड टाइम इन द क्यू फॉर नॉन एम्प्टी क्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।